कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सोल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, सो द परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, समवेयर वी यूज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन दिस प्लेस। क्यों? क्योंकि हमें कुछ जगह सिर्फ सॉल्वेंट का ही मास कंसीडर करना पड़ता है। बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, बट आपके सिलेबस में बेसिकली दो ही कंसंट्रेशन टर्म है, वो है मास बाय मास परसेंटेज। व्हाट डज इट मीन मास बाय मास? इट मीन्स मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन। अमाउंट किस फॉर्म में? अमाउंट का मतलब यहां पर हम सिर्फ ये नहीं मान के चले कि उसका मास, हो सकता है हमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना पड़े। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल मास बाय वॉल्यूम, वी शुड कैलकुलेट दिस टर्म ऑल्सो। सो व्हेन वी यूज मास बाय मास, एट दैट टाइम व्हेन वी हैव सॉलिड सॉल्यूट एंड सॉलिड सॉल्वेंट इन केस ऑफ एलॉय। एलॉय में क्या होता है? एक मैटर जो एक्सेस में रहता है, एक्सेस में जो रहता है उसे अपन सॉल्वेंट कहते हैं। सो सपोज गोल्ड में, सपोज हमने कुछ कॉपर मिलाया हुआ है, सो गोल्ड इज कंसीडर एज सॉल्वेंट एंड कॉपर इज सॉल्यूट इन दैट केस। ओके, सो मास ऑफ सॉल्यूशन, और यहां मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे आप। दिस टर्म इज यूज फॉर व्हेन वी यूज लिक्विड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्यूट। दोनों ही कंपोनेंट यदि लिक्विड स्टेट में है तो ये टर्म हमारे लिए सुटेबल होगी। ये कब? जब हम किसी लिक्विड में कोई सॉलिड सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, तब मास ऑफ सॉल्यूट तो ले लेंगे बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, और वो भी कब? जब डायल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है डायल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो कम बैक टू द पॉइंट, दैट इज परसेंटेज कंसंट्रेशन परसेंटेज वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ दीज टू टर्म्स, एंड फॉर परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाई द रेशियो बाय 100। मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, फोकस ऑन दिस टर्म मास ऑफ सॉल्यूशन। इट मींस जो हम यहां मास लेंगे उसमें सॉल्यूट इज आल्सो इंक्लूडेड। फॉर एग्जांपल, इफ 10 ग्राम्स ऑफ NaCl डिसॉल्व इन दिस इज द मास ऑफ, ये क्या है? सॉल्यूट। ओके, एंड 750 ग्राम्स ऑफ वॉटर, सपोज हमने पानी उसमें लिया हुआ है वॉटर, सो दिस इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना है? 750। सॉल्यूट कितना है? 10। सो 750 प्लस 10, इट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूशन becomes 760. So, how will you calculate the mass by mass percentage of NaCl solution? NaCl solution. So, mass by mass percentage is equals to 10 upon 750 plus 10, because we should take the mass of solution 760 into 100. Okay?
You can calculate. Okay, so point 1 point something. Okay, answer becomes 1 point something percentage. ठीक है. In place of mass, you can take volume. So formula becomes there is some changes. That is, in place of mass, we will take volume. So volume by volume percentage calculated by the volume of solute upon volume of solution. Simple. Solute का volume and solution का volume. Same, आप ले सकते हो figure. Suppose you will take 10 ml of HCl acid. Okay? And dissolve in 900 ml of water. So, what will be the volume by volume percentage? How will you calculate? Simple. 10 ml upon 900 plus 10. क्योंकि हमें क्या चाहिए? Total volume of solution चाहिए. So, solution is made up by solute as well as solvent. So, we should add both the figures and we will get 910 ml. So, here 910 ml into 100. Okay? इस तरह से आप उसे calculate करेंगे. Clear? So, by this way, we have to calculate the concentration percentage of solution. Next topic is suspension. Okay, suspension kya hai? At the beginning of this chapter, you were familiar with three terms: solution, colloidal solution, and suspension. So, what is suspension? Suspension. Okay. It is a heterogeneous mixture of solute and solvent. In suspension, we can't use solute and solvent. Okay. Here, one medium and second component is suspended particles. ओके एक मीडियम में पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहेंगे. हम वहां सॉल्यूट बोलते थे, यहां सस्पेंडेड पार्टिकल्स बोलेंगे और सस्पेंडेड सब्सटेंस बोलेंगे. और मीडियम ऑफ सस्पेंशन पूछेंगे. सॉल्वेंट की जगह अपन क्या बोलेंगे? मीडियम ऑफ सस्पेंशन. ओके, सो अगेन इफ यू टेक वॉटर एंड पोर सम chalk powder or clay or any insoluble substances. Simple sand भी ले सकते हो, sand भी ले सकते हैं आप, बारीक dust particles ले सकते हैं, वो ये एक ही बात है. तो यदि आप इसमें ये substance मिलाएंगे और आप उसे बहुत देर तक भी stir करते रहेंगे, तो after too much stirring they can't dissolve in it. Water में soluble है ही नहीं, तो ये dissolve होंगे नहीं. It means ये उसमें suspended रहेंगे, पूरे में मिलेंगे आपको, but ये अलग से naked eye से देख सकते हैं आप. तो suspension के जो particles होते हैं, वो solvent solution के particle के size से बहुत 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 बड़े होते हैं. ठीक है, तो solution के जो particle का size अपन ने discuss किया हुआ है, ये होता है solution, ये शॉर्ट फॉर्म है सॉल्यूशन का, पार्टिकल साइज दैट इज 1 नैनोमीटर से छोटे. ओके, या फिर हम ये कह सकते हैं इनका जो साइज छोटा होता है वो 10^-9 मीटर, 10^-9 मीटर से छोटे, इतने छोटे होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं, बहुत टाइनी, इतने छोटे कि हमें नेक्स्ट आई से दिख ही नहीं रहते. हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा है, उसमें ये हमें नहीं दिखते थे. हमें मतलब माइक्रोस्कोप भी नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये नजर आएंगे.
बट सस्पेंशन के पार्टिकल्स तो नेट ऐसे दिख रहे हैं, बल्कि हम इसे यदि छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए तो क्या होगा, इसके पार्टिकल्स सेटल होने लगेंगे। क्यों सेटल होने लगेंगे? सिंपल सी बात है, ये पार्टिकल जब साइज में बड़े हैं तो डेफिनेटली दे हैव सम मास, एंड मास यदि है तो हैवी पार्टिकल्स जो भी होंगे वो कितनी देर तक उसमें सस्पेंडेड रहेंगे, ड्यू टू ग्रेविटी दे कम्स डाउन, क्या होने लगेंगे, नीचे आने लगेंगे, सेटल होने लगेंगे। तो पहले हम सस्पेंशन में ये देख रहे थे कि सैंड पार्टिकल्स और क्ले पार्टिकल्स और सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे में डिस्पर्स दिख रहे हैं, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन वी लेफ्ट अनडिस्टर्ब दिस सॉल्यूशन दिस मिक्सचर सो द पार्टिकल्स विल बी गोइंग टू बी सेटल ड्यू टू द मास। मास है तो ग्रेविटी काम करेगी उस पर, तो क्या होंगे वो धीरे धीरे सेटल होने लगेंगे। इसका मतलब ये कि जो सस्पेंशन हमने बनाया हुआ था वो तो अनस्टेबल था, है ना, तभी तो वो सेपरेट हो गया। हम तो सस्पेंशन किससे पढ़े थे, जिसमें पार्टिकल सस्पेंडेड रहे, बट वो सस्पेंडेड तो है ही नहीं, अब थोड़ी देर बाद तो वो सेटल डाउन हो गए, तो क्या हो गया उसके कंपोनेंट सेपरेट होने लगे। इवन हम उसको सिंपल फिल्ट्रेशन के थ्रू भी सेपरेट कर सकते हैं। तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, ठीक है, और इनका जो पार्टिकल का साइज है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, ठीक है, पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, मतलब कितने बड़े हैं कि हम उसको नेक्ड आई से देख पा रहे हैं। दूसरी बात, ये स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं स्टेबल? क्योंकि इसके कंपोनेंट अलग अलग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनका साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो मास है, मास है तो ग्रेविटी के कारण सेटल डाउन हो रहे हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी इनकी कि हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू। आप इस मिक्सचर को फिल्टर करेंगे तो क्ले या चॉक पाउडर या सैंड आपके फिल्टर उसमें फिल्टर पेपर पे आ जाएगा, बाकी वाटर नीचे चला जाएगा, तो हम इसे आसानी से सेपरेट भी कर पाते हैं। क्लियर हुआ? अब जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सस्पेंशन पे यदि आप लाइट फॉल करेंगे, टॉर्च से एक डार्क रूम बना लीजिए अंधेरे कमरे में, उसमें आप पानी में थोड़ा सा सैंड पार्टिकल्स डाल दीजिएगा, उसे तुरंत बनाया आपने, मिक्स किया और लाइट उसमें पास की टॉर्च से, आप देखेंगे उसके जो पार्टिकल्स हैं वो और ज्यादा अच्छे से आपको क्लियरली दिखने लगेंगे, बल्कि वो यहां वहां जिगजैग घूमते हुए भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो पार्टिकल्स फुल टाइम उसमें दिख रहे हैं। क्लियर है? सो इस तरह से हमें ये पार्टिकल्स को आसानी से देखा जा सकता है। यदि आप बहुत बारीक पाउडर ले रहे हैं तो आपको क्या होगा, पार्टिकल के साइज ऐसा लगेगा शायद दिख नहीं रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद यदि सॉल्यूशन क्लियर हो गया इसका मतलब वो थे और सेटल हो गए। तो ये कौन सा मिक्सचर था? सस्पेंशन था। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, properties of suspension, first it is heterogeneous, heterogeneous, second its particles can be seen by naked eye, third their particle size is enough large, then they can scatter the light when passes from it. इनके पार्टिकल का साइज इतना बड़ा तो होता है कि जब उसमें से लाइट पास करते हैं तो लाइट को वो स्कैटर कर देते हैं, ठीक है। फोर्थ, इट इज अनस्टेबल,
Fifth, components can be separated by simple filtration. ओके, हेटरोजीनस है, पार्टिकल का साइज इतने बड़े हैं कि जब उसमें से हम लाइट पास करते हैं तो वो स्कैटर कर देते हैं लाइट को, और पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है कि हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं. फिर इट इज अनस्टेबल, क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, मतलब सेपरेट हो गए हैं. ठीक है, कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन. इवन हम उसको फिल्टर करेंगे तो उसके पार्टिकल के साइज बड़े हैं, फिल्टर पेपर से वो क्रॉस नहीं हो पाते हैं, तो हम दोनों कंपोनेंट को सेपरेट भी कर सकते हैं. कोलाइडल सॉल्यूशन, व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन? कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ अ सब्सटेंस इन अ मीडियम. किसी भी एक मीडियम में एक सब्सटेंस का मिक्सचर, बट दैट सब्सटेंस विल नॉट डिसॉल्व इन मीडियम. इफ इट इज डिसॉल्व सो इट इज कॉल्ड प्लेन सॉल्यूशन, बट वी आर टॉकिंग अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशन. इन कोलाइडल सॉल्यूशन द डिस्पर्स्ड सॉल्यूशन सब्सटेंस इज नॉट डिसॉल्व, इट इज ओनली डिस्पर्स्ड. वो सिर्फ उस पर डिस्पर्स्ड रहेगा, इसीलिए उसको डिस्पर्स पार्टिकल कहेंगे या डिस्पर्स्ड सब्सटेंस कहेंगे. कई बार आप सुनेंगे डिस्पर्स्ड फेस, तो कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, फर्स्ट डिस्पर्स्ड फेस. फेस बोल सकते हैं, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, ओके, या डिस्पर्स्ड सब्सटेंस भी बोल सकते हैं. एंड सेकेंड वन इज डिस्पर्शन मीडियम. मतलब कुल मिला के हमारे पास डिस्पर्स फेस या पार्टिकल्स है और मीडियम है. ठीक है, सो ये इसमें क्या है? सॉल्युबल नहीं है, इसमें डिस्पर्स्ड है. Clear? So, for example, if you take a glass of water and add 1 to 2 spoon, tablespoon of milk and stir properly, so you will get colloidal solution. Why? Because the transparency of water is not retained. Uski transparency ab nahi bachegi. So, लेकिन बट आप मिल्क के पार्टिकल्स को नेक्ड आई से देख भी नहीं पा रहे हैं. ठीक है, तो कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल सॉल्यूशन की तारीफ यही तो है कि इट लुक्स लाइक होमोजेनस मिक्सचर बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजेनस. ओके, क्यों हेट्रोजेनस है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स उसमें डिसॉल्व नहीं हुए हैं. ओके, इनका कंपोजिशन पूरे बल्क में एक जैसा नहीं होगा, उन पार्टिकल्स की एक सेपरेट मार्जिन दिखेगी. ओके, सो यू कांट सी दैट मार्जिन विथ नेक्ड आई. विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप यू कैन इजीली सीन दैट पार्टिकल्स. क्लियर? सो कोलाइडल पार्टिकल्स जो है, साइज तो उनका बड़ा हो गया, सॉल्यूशन से तो लार्ज है, बट इतना बड़ा नहीं है कि आप उसे नेक्ड आई से देख सके. ठीक है, बट इसका जो पार्टिकल का साइज का रेंज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का, 100 नैनोमीटर के बीच का होगा. ओके, इसके पार्टिकल का साइज इतना है, और ये रेंज हमारी आंख ऐसे ही बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकती है. क्लियर है? सो पार्टिकल साइज इज दिस साइज ऑफ पार्टिकल्स इज एनफ टू प्रोवाइड द सरफेस फॉर द लाइट टू स्कैटर or to deviate from its path. When we pass a light through colloidal solution, so scattering, we can see the path of light. So path of light is visible when we pass the light from the colloidal solution.
colloidal solution. How? I will show you by an activity. If you take a glass of water plus salt. उसमें आप सॉल्ट डिसॉल्व कर लीजिए, सो बिकम्स इट बिकम्स सॉल्यूशन, ओके. एंड इन सेकंड कंटेनर यू टेक वाटर प्लस मिल्क, ओके, दिस बिकम्स कोलाइडल सॉल्यूशन, दिस इज कोलाइडल सॉल्यूशन, ओके. यू कैन सी द पार्टिकल ऑफ मिल्क, ओके. देन after that you will pass light, so clearly you've seen the shining surface of this container here and here. आपको light यहां दिखेगी और यहां दिखेगी, but आप उसको light का path नहीं देख पाएंगे. क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि इसके particle का size इतना छोटा है कि वो light को scatter ही नहीं कर रहा है, light को सीधे जाने दे रहा है, ठीक है. जब वो स्कैटर करेगा तो आपकी आईज तक उसकी लाइट की रेज आएंगी, तो आपको वो पाथ दिखेगा. ये एक्टिविटी आप कहां करेंगे? एक डार्क रूम में, ठीक है. एंड इफ यू प्रोवाइड लाइट, व्हेन लाइट इज फॉल ऑन द सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन, सो इट्स पाथ इज क्लियरली विजिबल टू यू. आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे इसके पाथ को. क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज इतना तो है कि वो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, लाइट को स्कैटर कर दे रहा है, तो आपको इसका पाथ दिखने लगेगा, ठीक है. अब ये एक्टिविटी देख लीजिए आप. Properties of colloidal solution. Properties of colloidal solution. First, it is heterogeneous mixture. Okay, it is heterogeneous mixture. Second, its particle size is too small, therefore we can't see with naked eye. We can't see with naked eye. Okay. Third, definitely its particle size we can't see with naked eye, but the size of particles enough large to scatter the light when pass through it. हम जब भी लाइट इससे पास करेंगे तो स्कैटर कर देगा लाइट को. फोर्थ, आपने एक्टिविटी में देखा है तभी तो आपको लाइट का पाथ दिख रहा है. Pass it, scatter the light when pass through it. Therefore, path of light visible. उस light का path visible होने लगेगा. Fourth, particles. Do not settle
down. Okay, when left undisturbed. Okay, when left undisturbed. And fifth point is cannot separate its components by simple filtration. Simple filtration. This table is taken from NCERT book, table 2.1. Examples of colloids. On the basis of physical states, okay, you learn in previous chapter, that is, in our surrounding we find solid, liquid and gas, three states. Okay, so three physical states of on the basis of physical states of dispersed medium and dispersed phase. तो जो भी dispersed phase है और dispersion medium, उन दोनों component के physical state के base पे हमने classify किया हुआ है. Okay, so first dispersing medium, dispersed phase, type and example. So dispersion medium यदि solid है, so solid में solid का जो colloidal solution बनता है उसे हम solid sol कहेंगे. For example, milky glasses. Second, when we mix liquid in solid, okay, so we get gel, jelly, butter are the example of gel. When we mix gas in solid, so we will get foam and rubber is the example of this category. Next, if we take liquid as medium and dissolve some solid, so we get sol, that is milk of magnesia. When we mix liquid in liquid, so emulsion is formed. So milk, paint, ये सब क्या है? Emulsion. When we mix gas in liquid, so we get foam, shaving cream. If we take gas and solid will be dissolved in this gas, so aerosol is formed and smoke is the suitable example for aerosol. And last one is when we disperse liquid in gas. In this case, by mistake I said dissolve. Okay, so dissolve term हम कभी भी use नहीं करेंगे colloid में. Dispersed. When liquid is dispersed in gas, so we will get aerosol and, for example, mist and clouds. Clear?